नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में हमेशा हम आप तक पहुंचाते हैं खेती किसानी और पशुपालन से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां। आज भी इस कड़ी में हम ऐसी ही कुछ खास जानकारियां आपके लिए लेकर आए हैं। विज्ञान और किसान सेगमेंट में हम आपको बताएंगे समुद्री शैवाल की खेती के बारे में। कृषि स्टार्टअप में मुलाकात करवाएंगे आपकी हमारे पशुपालक भाई नरेंद्र सिंह से। और फार्मिंग इंडिया सेगमेंट में बताएंगे आपको कैसे कर सकते हैं आप बकरी पालन, और साथ ही आपको जानकारी देंगे कृषि जगत से जुड़ी कुछ अहम बातों की। फिर आपको मोबाइल ऐप की भी जानकारी देंगे और दिखाएंगे क्या कुछ खास है हमारे ट्विटर हैंडल पर। तो फिर आइए आज के हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम का शुभ आरंभ करते हैं हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान के साथ। हमारी सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि हमारे किसानों की आर्थिक स्थिति और भी ज्यादा बेहतर हो सके। और इसी दिशा में बता दें आपको, हमारे समुद्री तटों पर शैवाल यानी कि सीवीड की खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि वहां के जो हमारे किसान हैं, जो हमारे मछुआरे हैं, इन्हें अपनाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को और भी ज्यादा बेहतर बना सके। किस तरह से ये उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, आइए जानते हैं हमारे सेगमेंट में। समुद्री शैवाल दुनिया भर में पाया जाता है। पौष्टिकता से भरपूर इस शैवाल की कई किस्में भोजन, पशु चारे और खाद के रूप में इस्तेमाल की जा रही हैं। इनमें अच्छी खासी मात्रा में आयोडीन, विटामिन और प्रोटीन मिलता है, जो कुपोषण से लड़ने में मददगार है। गुजरात के भावनगर में स्थित केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान पिछले कई सालों से इस दिशा में काम कर रहा है। भारत में 8,118 किलोमीटर लंबे तट समुद्री शैवाल के उत्पादन में अपार संभावनाएं पेश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 640 करोड़ रुपए के खर्च से इस क्षेत्र में एक परियोजना शुरू की गई है। 5 साल के लिए शुरू की गई इस योजना में केंद्र सरकार तटवर्ती राज्यों के मछुआरों को शैवाल उत्पादन के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसके दो खास उद्देश्य हैं, एक तटवर्ती आबादी की आय बढ़ाना और दूसरा महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करना। समुद्री शैवाल के उत्पादन के लिए सरकार सब्सिडी भी दे रही है। अगले 5 साल के दौरान 8,70,00,000 रुपए की सब्सिडी देने का इरादा है। गुजरात और तमिलनाडु में समुद्री शैवाल पर काफी काम हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार दुनिया भर में करीब 3 करोड़ टन सीवीड का उत्पादन हो रहा है। इसमें से 95% खेती के जरिए और 5% प्राकृतिक तरीके से उगे शैवाल हैं। भारत में प्राकृतिक रूप से उगे हरे शैवाल की 900 किस्में, लाल शैवाल की 400 किस्में और भूरे शैवाल की 1,500 किस्में पाई जाती हैं। इनमें से 221 किस्मों का इस्तेमाल अलग अलग तरह के उत्पाद बनाने में हो रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि कई सीवीड ऐसे हैं जिनसे बहुत से महत्वपूर्ण उत्पाद मिलते हैं। मिसाल के तौर पर बायो स्टिमुलेंट फसलों की उत्पादकता में 16-40% की बढ़ोतरी कर सकता है। ICAR ने इस पर काफी शोध भी किया है। भारत में जिस तरह जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसमें सीवीड से बने उत्पाद लाभकारी साबित हो सकते हैं। भारतीय शोधकर्ता लंबे समय से टिकाऊ खेती के तौर पर समुद्री शैवाल की खेती अपनाने पर जोर दे रहे हैं। भारत के लंबे तट इनकी खेती के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करते हैं। खासकर गुजरात और तमिलनाडु के सागर क्षेत्र में इनकी गजब की जैव विविधता है। तमिलनाडु के 1000 किलोमीटर लंबे सागर तटों पर समुद्री शैवाल की करीब 282 किस्में मौजूद हैं, लेकिन भारत में कुछ किस्मों की ही खेती हो पा रही है। सागर तट के पास उगने वाले शैवाल जलवायु परिवर्तन को रोकने में भी मददगार हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेते हैं और कार्बन को शर्करा में बदल देते हैं, साथ ही पानी में ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं। कार्बन इकट्ठा करने के अलावा सीवीड समुद्री भोजन की श्रृंखला भी बनाते हैं और कई समुद्री जीवों के लिए आश्रय के साथ साथ भोजन भी मुहैया कराते हैं। वक्त हो चला है पशुपालक कैलेंडर पर नजर डालने का। तो सितंबर माह में किस तरह से आप अपने पशुओं का पालन कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं, देखभाल कर सकते हैं, आइए जानते हैं।
सितंबर माह में वातावरण के तापमान में उतार चढ़ाव के दुष्प्रभावों से पशुओं को बचाने के उपाय पर ध्यान दें। ऐसे समय में पशुओं को दिन के समय धूप से बचाने तथा पीने के पानी की समुचित व्यवस्था करें और रात के समय ठंड से बचाने के लिए छप्पर इत्यादि के नीचे पशुओं को बांध कर रखें। पशुओं को यथासंभव सूखे व ऊंचे स्थानों पर रखें। पशु घर में वर्षा जल निकासी का समुचित प्रबंध करें। रक्त परजीवी रोगों जैसे थाइलेरिया, ट्रिपेनोसोमा, बबेसिया इत्यादि वर्षा काल में जन्म लेते हैं तथा मच्छर, कीट व कीचड़ इत्यादि के द्वारा फैलते हैं। अतः बाड़े के आसपास गंदा पानी एवं गंदगी एकत्रित न होने दें। गर्मी व नमी जनित रोगों में मुख्य रूप से कोलिबेसुलोसिस, साल्मोनेलोसिस कवक जनित रोग हैं। इसके अतिरिक्त गलघोटू और लंगड़ी बुखार के फैलने की संभावना भी अत्यधिक रहती है। अतः समय रहते इनके टीके पशुओं में अवश्य लगवा लें अथवा रोग होने पर पशु चिकित्सक से तुरंत संपर्क करें। चारे के संग्रहण पर विशेष ध्यान दें। नमी के कारण कई फफूंद जनित रोगों के संक्रमण का खतरा रहता है। हरे चारे से साइलेज बनाएं अथवा हरे चारे के साथ सूखे चारे को मिलाकर खिलाएं, क्योंकि हरे चारे के अधिक सेवन से पशुओं में दस्त की समस्या हो सकती है। इसके साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आपका हिम्मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में दो गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और दो गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम दो गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ ना लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि स्टार्टअप सेगमेंट में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब कार्यक्रम में नजर डालते हैं हमारे कृषि स्टार्टअप सेगमेंट पर। हमारे कुछ किसान ऐसे भी होते हैं जो खेती किसानी के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं और पशुपालन से अच्छी आमदनी भी अर्जित करते हैं। आज के हमारे सेगमेंट में एक ऐसे ही पशुपालक से हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं जिनका नाम है नरेंद्र सिंह। उनके पशुओं के प्रति निस्वार्थ प्रेम के चलते इस क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा भी गया है। आइए मुलाकात करते हैं इनसे। पानीपत जिले के गांव डिडवाड़ी निवासी नरेंद्र सिंह द्वारा मुर्रा व साहिवाल नस्ल को संरक्षित करने पर भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जा रहा है। नरेंद्र सिंह को बचपन से
पशुओं की देखभाल व लगाव का शौक था। शुरुआत से ही उनका ज्यादातर समय पशुओं की बेहतर ढंग से देखभाल करने में बीतता था। क्योंकि वो किसान के साथ पंचायत विभाग में ग्राम सचिव भी हैं, ड्यूटी के बाद पशुओं की देखभाल के समय यही प्रयास रहता था कि कुछ पशुओं के हित में भी किया जाना चाहिए। करीब 20 साल पहले नरेंद्र सिंह ने 10 पशुओं के साथ गांव में अपने प्लॉट पर डेयरी की शुरुआत की थी। अब भैंस, झोटे व सांड समेत आज उनकी डेयरी फार्म पर करीब 150 पशु हैं। नरेंद्र सिंह को वर्ष 2013 व वर्ष 2015 में राष्ट्रीय अवार्ड, 2017 में गोपाल रतन अवार्ड व वर्ष 2018 में मुर्रा रतन अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। नरेंद्र सिंह के फार्म की खास बात यह है कि मुर्रा नस्ल की सुंदरता को देखने के लिए विदेशी भी यहां आते हैं। तभी तो कोलंबिया के राजकुमार समेत इनकी डेयरी का कई देशों के प्रतिनिधि दौरा कर चुके हैं। इनकी मुर्रा नस्ल की भैंस प्रतियोगिताओं में चैंपियन रह चुकी है, वहीं छोटा शहनशाह दूसरे स्थान पर रहा। इन्हें खरीदने विदेशों से भी लोग आ चुके हैं। हालांकि इन पशुओं का दाम बढ़ चढ़ कर लगाया जा रहा है, पर फिलहाल इन्होंने इन्हें बेचने से मना कर दिया है। मुर्रा नस्ल का झोटा घोलू प्रिंस व शहनशाह समेत भैंसों की ख्याति देश भर के अलावा विदेशों में छाने के बाद करीब 5 वर्ष पहले उनकी डेयरी पर कोलंबिया के राजकुमार समेत कई देशों के प्रतिनिधियों ने विजिट कर पशुपालन की तकनीक को नजदीक से जाना था। उनकी डेयरी के हरियाणा साहिवाल सांड, नंदी व मुर्रा नस्ल की भैंस प्रतियोगिताओं में प्रथम रहकर चैंपियन बनी व छोटा शहनशाह दूसरे स्थान पर रहा है। पशुपालन सदा से फायदे का सौदा रहा है। अगर किसान नई तकनीकों और सूझबूझ से करें तो इस क्षेत्र में अच्छा लाभ कमाया जा सकता है, साथ ही अपनी आय भी दोगुनी करने में सफलता हासिल कर सकता है। पशुपालक नरेंद्र सिंह का मानना है कि पशुपालन व्यवसाय को अगर बदलते समय की तकनीक के साथ अपडेट कर दिया जाए तो पशुपालन कभी भी घाटे का सौदा साबित नहीं हो सकता। इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हूँ, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ, ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं, और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-1801551 पर कॉल करें और लॉग इन करें किसान.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, बहुत बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर रास को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ, कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉयल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है फार्मिंग इंडिया सेगमेंट का। पशुपालन एक ऐसा व्यवसाय है जिससे काफी अच्छी आमदनी अर्जित की जा सकती है, लेकिन जरूरत है कि हमें पता हो कि किस समय हमें किस तरह का प्रबंधन कार्य करना है। ऐसा ही एक व्यवसाय है बकरी पालन। अगर आप बकरी पालन को अपनाना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप समय समय पर विशेषज्ञों की सलाह लेते रहें और इसके बारे में प्रशिक्षण भी ले लें। अगर आप करना चाहते हैं इसकी शुरुआत, तो आइए आपको जानकारी देते हैं हमारे सेगमेंट में।
किसानों के लिए बकरी एक बहुमुखी एवं बहुउद्देश्य पशु है। ये भारत में गरीब आदमी की गाय के रूप में जानी जाती है। बदलते वातावरण, बढ़ती जनसंख्या व घटते हुए संसाधनों को देखते हुए बकरी भविष्य के पशु के रूप में अंचल में उपयुक्त साबित हो सकती है। गाय भैंस की बढ़ती हुई कीमत की तुलना में बकरी की कीमत अत्यधिक कम है। ऐसा माना जा रहा है कि भविष्य में बकरी पालन ग्रामीण अंचलों में रोजगार का अच्छा विकल्प हो सकता है। बकरी पालन कम लागत और सामान्य रखरखाव में आसानी से किया जा सकता है। बकरी पालन व्यवसाय गरीब किसानों और खेतीहर मजदूरों के लिए आय का एक अच्छा स्रोत है। बकरी पालन मुख्य रूप से मांस और दूध के लिए किया जा सकता है। बकरी के दूध से कई चीजें बनाई जाती हैं, जैसे पनीर, घी, दही, आइसक्रीम इत्यादि। बकरी का दूध बच्चों को पिलाने के लिहाज से बहुत उपयोगी होता है। इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होने के कारण भी इनकी अधिक उपयोगिता सिद्ध हो रही है। बकरियां देश की अर्थव्यवस्था में कई प्रकार से योगदान करती हैं, जैसे दुग्ध उत्पादन एवं इसके द्वारा बनाए जाने वाले व्यंजन, बकरे के मांस से बने व्यंजन, बकरियों से प्राप्त ऊन, चमड़ा उत्पादन व इनके शरीर के अन्य अंगों का उपयोग, साथ ही साथ इससे प्राप्त खाद व अन्य वस्तुएं। अगर किसान बकरी पालन को वैज्ञानिक तरीके से करें तो अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। बकरी पालन शुरू करते समय उच्च नस्ल की बकरियों का चयन करें, साथ ही बकरियों का शेड इस तरह बनवाएं कि उनको शुद्ध हवा मिल सके। शेड बनाते समय बकरियों के लिए साफ पानी की व्यवस्था जरूर करें। प्रतिदिन बाड़े की साफ सफाई करें, इससे बकरियों में बीमारियां नहीं होंगी। बाड़े को हमेशा ऊंचे स्थान पर बनवाएं ताकि बारिश का पानी अंदर न आ पाए। साथ ही पानी निकलने के लिए उचित व्यवस्था रखें ताकि जब भी शेड की सफाई की जाए तो बकरियों का मलमूत्र और जमा पानी आराम से शेड से बाहर निकल जाए। बकरियों के उचित रखरखाव और आहार प्रबंधन का खास ख्याल रखें। किसान बकरियों को चराने के बाद उन्हें उचित चारा दें, जिससे उनके मांस और दूध में वृद्धि हो सके। इसके अलावा बकरी पालन में प्रयोग में लाए जाने वाले उपकरणों की सफाई के लिए किसी कीटाणुनाशक दवा का उपयोग करें। बकरियों को पौष्टिक आहार दें और उन्हें सड़ा गला और बासी खाना ना दें। बकरियों को खरीदने से पहले किसी डॉक्टर से जरूर सलाह लें। साथ ही समय समय पर अपने पास के पशु चिकित्सालय में टीकाकरण जरूर करा लें। बकरी के बारे में ये कहा जा सकता है कि भविष्य में न केवल भारत में बल्कि विश्व में पशुपालन उद्योग की एक महत्वपूर्ण कड़ी बन जाएगी। इसके लिए बकरी के अनुसंधान कार्यों में तेजी लाने की जरूरत है। बकरी पालन से विश्व के प्रत्येक व्यक्ति तक कम लागत में न केवल दूध, मांस और इनके उत्पादों को पहुँचाया जा सकता है, बल्कि बकरी पालन से विदेशी मुद्रा भी अर्जित की जा सकती है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि किसानों के लिए बकरी पालन अतिरिक्त आमदनी का स्रोत है। हमारे देश की सरकार हमारे किसानों के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है। बता दें आपको कि इसी दिशा में हाल ही में 2 दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया था कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में, और इसी में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी ने अपने विचार सभी से साझा किए। क्या कुछ खास जानकारी उन्होंने दी, आइए दिखाते हैं आपको। भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि देश का किसान आत्मनिर्भर बने। इसी दिशा के अंदर जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, जो 1,00,000 करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका उपयोग कैसे हो और आम व्यक्ति जहां पर इसका उपयोग किया जा सके, तो फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे प्रोसेसिंग हो, चाहे उसके लिए वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, इन सभी के लिए इसमें प्रावधान किया गया है। तो राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ में चर्चा हुई कि जो पैसा है वो तुरंत किसानों को अवेलेबल हो, और इस दृष्टि से। और दूसरा कि
पाम ऑयल जो आज देश के अंदर तेल की कमी है और लगभग हम 85,000 करोड़ का तेल का इंपोर्ट करते हैं, तो तेल के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बने इस दृष्टि से भी पाम ऑयल तेल को लेकर योजना बनी है। उसके लिए अलग से बजट का प्रावधान किया गया है और मिशन पाम ऑयल के तहत इसके अंदर काम किया जा रहा है और विशेषकर नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र हैं उनको विशेष सहायता दी जा रही है कि इस पाम ऑयल के या तेल के तिलन के अंदर और दलहन के अंदर हम आत्मनिर्भर बने। किसानों की उत्पाद को अधिक से अधिक एक्सपोर्ट कैसे किया जाए इसके लिए भी सरकार प्रयास कर रही है और ताकि किसान को अधिक रेट मिले और केसीसी के माध्यम से भी जो किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड है, किसान क्रेडिट कार्ड भी जो आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि कोरोना के समय के अंदर भी लगभग 2.35 करोड़ किसानों को केसीसी दी गई है नए किसानों को। तो ये आने वाले समय के अंदर देश का ऐसा कोई किसान नहीं हो जो पात्र हो और उनको किसान केसीसी मिले, नहीं मिली है तो उनको मिले, इस दृष्टि से भी सभी मुख्यमंत्रियों से वार्ता की गई और बैठक के अंदर बहुत अच्छे सुझाव भी मिले। मुख्यमंत्री और वहाँ के कृषि मंत्रियों ने सुझाव दिए जो आने वाले समय के अंदर किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है और इसी को ध्यान में रखते हुए कि नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है कि 2022 तक किसान की इनकम बढ़ाना है, डबल करना है, तो इस नाते कृषि का बजट भी बढ़ाया गया है। जहां पहले कृषि का बजट यूपीए की सरकार के समय में 22,000 या 20,000 करोड़ रुपये हुआ करता था, लेकिन अभी कृषि का बजट है वो 1,23,000 करोड़ रुपये है। तो ये कृषि का बजट बढ़ाना और 1,00,000 करोड़ रुपये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का घोषणा करके और उसको यूटिलाइज करना, तो ये मैं सोचता हूँ कि निश्चित रूप से आने वाले कल में किसानों को जीवन को बेहतर बना सके। इस दिशा के अंदर लगातार कृषि मंत्रालय प्रयास कर रहा है और माननीय नरेंद्र मोदी जी के विजन को हम किस तरह से पूरा करें कि किसान आत्मनिर्भर बने, और जैसा कि किसान आत्मनिर्भर बनेगा तभी हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा। और प्रधानमंत्री जी का जैसा कि कहा भी है लाल किले से कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो सभी के प्रयासों से हम सफल हो पाएंगे और इसीलिए राज्यों के सहयोग के बिना ये संभव नहीं है। इसलिए राज्य के मुख्यमंत्रियों से आज वार्ता की गई और निश्चित रूप से बहुत अच्छी वार्ता रही और इसको आगे हम काम को बढ़ाएंगे और किसान की इनकम को बढ़ाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। हमारे किसान केवल खेतों तक ही सीमित ना रहे बल्कि तकनीकों को भी अपनाएं, इसके लिए जरूरी है कि वो उनके लिए उनकी सहूलियत के लिए तैयार की गई मोबाइल ऐप्स को अपनाएं। एक ऐसी ही मोबाइल ऐप के बारे में आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देंगे। इस मोबाइल ऐप का नाम है ई गोपाला ऐप। क्या कुछ खास है इसमें, आइए जानें। हमारे देश में आबादी का एक बड़ा हिस्सा पशुपालन से जुड़ा है। गांव में तो आमदनी का एक अच्छा खासा हिस्सा पशुपालन से आता है और इसीलिए पशुओं को पशुधन कहा जाता है। पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं। इसी क्रम में हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पशुपालक किसानों के लिए ई गोपाला ऐप लॉन्च किया है। ई गोपाला ऐप किसानों और पशुपालकों के लिए काफी काम का है। इस ऐप के जरिए पशुपालकों को तकनीकी जानकारी मिलेगी, इससे डेयरी किसानों को भी फायदा होगा। इस ऐप से उन्हें अपने स्मार्टफोन पर कई तरह की जानकारियां मिल जाएंगी। यह ऐप उनकी मदद करने और पशु उत्पादकता को बढ़ाने के लिए ऑनलाइन डिजिटल माध्यम है। इससे किसानों पशुपालकों को उच्च कोटि के वीर्य भ्रूण और पशु की उपलब्धता की जानकारी और उन्हें खरीदने की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही स्थानीय आहार संसाधनों से संतुलित राशन तैयार करने की भी जानकारी इस ऐप के जरिए मिल सकेगी। ई गोपाला ऐप पर आयुर्वेद पशु चिकित्सा और कम लागत के औषधीय उपचारों की भी जानकारी उपलब्ध रहेगी।
सरकार के इस कदम से न सिर्फ हमारे गांव बल्कि हमारे पशुपालकों को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें पशुपालकों को अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन करना होगा। इसके बाद 6 विकल्प दिखाई देंगे। मेरा पशु आधार विकल्प में किसान अपने नए पुराने पशु की जानकारी देख सकते हैं और नए पशुओं का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अलर्ट्स में किसानों को पशु के टीकाकरण की तारीख जैसी सूचनाएं भी मिलेंगी। किसान भाइयों बहनों, अब कार्यक्रम में वक्त है जानने का कि ट्विटर पर कृषि जगत या फिर पशुपालन से जुड़ी क्या कुछ खास जानकारियां हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट उत्तराखंड द्वारा क्या कुछ खास ट्विटर अपडेट्स किए गए हैं। पशु बाड़ों की सफाई एवं बर्तनों आदि की धुलाई के लिए प्रति पशु लगभग 45 से 70 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन। आप हमारा ये कार्यक्रम बता दें आपको हमारे YouTube चैनल के जरिए भी देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए। किसी भी समय अपने मोबाइल फोन पर ही आप देख सकते हैं हमारा ये कार्यक्रम कृषि दर्शन और कृषि जगत से जुड़ी अहम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। बस किसान भाइयों बहनों, आज के लिए इतना ही। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, अपने सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। हमारी ईमेल आईडी है krishidarshandidike@gmail.com। अब बारी आती है हमारे पते की। हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो बस अब अगले अंक में होगी आपसे मुलाकात। अब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।